नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों और अवैध वेंडरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक RPF IG सीनियर DCM ने टीम के साथ महानगरी और गंगा कावेरी एक्सप्रेस में सघन चेकिंग कर 145 अनाधिकृत यात्रियों को पकड़कर उनसे 1,45,000 रुपए जुर्माना वसूला है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आई महानगरी एक्सप्रेस और गंगा कावेरी एक्सप्रेस में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ओम प्रकाश, रेल सुरक्षा बल IG अजय सदानी, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन के साथ ही अन्य अधिकारियों की टीम ने जांच की। इस दौरान ट्रेन के आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले 145 अनाधिकृत यात्रियों को पकड़कर उनसे 1,45,000 रुपए की राशि वसूली गई। सीनियर DCM विश्व रंजन ने बताया कि ट्रेनों में सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दो गाड़ियां चेक की हैं, बाकी में अभी और दो गाड़ियां हैं। कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई है। अब इसको रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी तो उसमें आ जाएगा। बाकी विस्तृत रूप से इसमें कार्रवाई की गई, कोच के अंदर जाके साफ सफाई भी देखी गई, क्लीनिंग टॉयलेट्स में कैसी है उस पर ध्यान दिया गया, और टिकट पर विशेष जोर है कि प्रॉपर टिकट लेके लोग यात्रा करें ताकि और लोगों को असुविधा ना हो। ये अभियान लगातार चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ये पिछले 15 दिन से अभियान चल रहा है और आगे भी जब तक क्राइसिस है तो चलता रहेगा। निरीक्षण के दौरान अवैध वेंडरों पर भी कार्रवाई की गई। जन कल्याण की कामना से कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा जिला मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल रहे। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा जन कल्याण की कामना से प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस मंगलवार को भी सुंदरकांड पाठ और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें बार के सदस्य एवं कर्मचारियों ने शामिल होकर पूजन किया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन जबलपुर की ओर से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। इसमें सभी भारी मात्रा में लोग उपस्थित हैं और सुंदरकांड का आनंद ले रहे हैं, और इसमें प्रसाद वितरण, इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे अध्यक्ष सचिव सभी लोग आए हुए हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण एकता मंच द्वारा 9 मई को शाम 4 बजे मालवीय चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंच के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शोभा यात्रा में कई जीवंत झांकियां भी शामिल रहेंगी। ब्राह्मण एकता मंच के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 9 मई को मालवीय चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर भ्रमण करते हुए यात्रा का समापन कोतवाली के सामने होगा। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की झांकियां शामिल रहेंगी। इस वर्ष रानीताल चौराहे के स्थान पर मालवीय चौक से शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। ब्राह्मण जागृत हो चुका है और सब अपना अपना सहयोग इसमें कर रहे हैं। सारे लोगों का कहना है कि नहीं, निश्चित रूप से हमको अपनी पहचान बताना पड़ेगी, इसलिए इस शोभा यात्रा को देखिए आप क्या स्वरूप मिलता है। ये सब आप हम सामने हैं, इसका परिणाम आपके सामने आएगा। हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है ब्राह्मणों ने। हम एक छोटी सी जगह मान लो हम ले रहे थे,
तो ये आपका भी कर्तव्य बनता था कि इस शहर में हमारा भी कुछ अस्तित्व है। विगत 30 वर्षों से हम उस जगह से शोभा यात्रा निकाल रहे और उस जगह का नाम अगर हम अपने आराध्य के नाम पे चाह रहे थे तो इसमें क्या बुराई थी। मंच के सदस्यों ने बताया कि आयोजन की इस बेला में 13 मई को कमानिया गेट पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। शोभा यात्रा मालवी चौक से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई सराफा, कमानिया और कोतवाली पर संपन्न। इसमें लगभग 20 झांकियां होंगी जिसमें कुछ जीवंत और कुछ चलचित्र होंगे, साथ में हमारे मनीषी होंगे, विप्रजन होंगे और हजारों की संख्या में विप्रबंधु और महिला संगठन होंगे जिनके गणवेश भी निश्चित हैं। आयोजक मंडल के मुताबिक आयोजन का मकसद ब्राह्मण समाज को एकता के सूत्र में पिरोना है। जबलपुर से अशोकनगर में चुनाव ड्यूटी के लिए गए होमगार्ड के जवान रूपेंद्र ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज सिंह के अनुसार फिलहाल रूपेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। अशोकनगर में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जबलपुर से लगभग 360 होमगार्ड सैनिकों को भेजा गया था, जहां पर मतदान प्रक्रिया के दौरान जबलपुर होमगार्ड में पदस्थ रूपेंद्र ठाकुर का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनको उपचार के लिए अशोकनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ने का स्पष्ट कारण फिलहाल पता नहीं चला है। संभवतः हार्ट अटैक की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होना बताया जा रहा है। आज चूंकि मतदान का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है अशोकनगर में, उसमें हमारे जवानों द्वारा ड्यूटी संपादित की जा रही है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे सैनिक क्रमांक 252 रूपेंद्र ठाकुर को सुबह 7 बजे जो है उनकी तबीयत खराब हुई और उनको लेकर के थाना प्रभारी मुगावली और पीठासीन अधिकारी के द्वारा तुरंत सिविल हॉस्पिटल मुगावली उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और शाम को चेकअप के बाद में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल रूपेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाटन में महिला की खुदकुशी का मामला हत्या का प्रकरण निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने महिला के पति राघवेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 6 मई को पाटन के व्यास मोहल्ले में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है। इसके बाद पुलिस महिला के पति राघवेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। 6 मई को व्यास कॉलोनी पाटन में से सूचना आई थी कि एक महिला फांसी लगाकर ख़त्म हो गई है। उसके पति राघवेंद्र सिंह ठाकुर ने ही ये मर्ग पंजीबद्ध कराया था। बाद में डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ तो उसकी मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन, गला घोटने से पाई गई। इसलिए कल थाना पाटन में मृतका के पति राघवेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ धारा 302 201 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी पति राघवेंद्र सिंह ठाकुर की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसको पकड़कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। महिला का विवाह 7-8 वर्ष हो गया था। उसके माता पिता और भाई अभी दुनिया में नहीं है, अन्य उनके रिश्तेदार हैं जिनके कथन लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या का खुलासा कर दिया है और इस बात की खबर लगते ही आरोपी पति फरार हो गया। घमापुर थाना क्षेत्र के एक बदमाश ने द्वारका नगर स्थित एक मकान में बम फेंककर दहशत फैला दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने इस घटना की शिकायत घमापुर थाने में दर्ज करवाई है। बमबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। द्वारका नगर क्षेत्र में रहने वाले मान सिंह ठाकुर के घर में क्षेत्र के एक बदमाश ने 2 बम फेंककर दहशत फैला दी और बमबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घर में फेंके गए 2 बमों में से एक बम नहीं फटा, लेकिन दूसरे बम में जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। बमबाजी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और मान सिंह ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आनंद ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने ही बम फेंकने की वारदात को अंजाम दिया है। आनंद ठाकुर है, वो गुंडा टैक्स मांगता है, आए दिन आपराधिक किस्म का अपराधी है, पूरे क्षेत्र में उसका दहशत रहती है। लेडीज़ बदमाश लेडीज़ों को, दुकानदारों को धमकाता है और पैसे की डिमांड करता है। हमारे घर के लोगों से भी पैसे की डिमांड कर रहा था, 2000 रुपये दो नहीं तो मार देंगे। दूसरे दिन हमारे घर में हम लोग रिपोर्ट करें
तो बम चला दिए हमारे घर में आके और जान से मारने की धमकी दी, बोले घर पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। संबंधित वीडियो थाना खमापुर के बरौ मोहल्ला से संबंधित है और आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसका नाम आनंद ठाकुर है और उसके खिलाफ 336 भारतीय दंड विधान और 3-5 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति पर मृतिका के परिजनों का जमकर गुस्सा फूटा और उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। चार मई को अपनी गर्भवती पत्नी रेशमा चौधरी की हत्या करने वाले आरोपी पति शुभम चौधरी को पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया। इस दौरान रेशमा के परिजनों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने शुभम को इस जघन्य हत्याकांड के लिए फांसी दिए जाने की मांग की। उनका कहना है कि शुभम की प्रेमिका और उसके परिजनों की मिली भगत की भी जांच कर उन्हें भी आरोपी बनाया जाए। वो अपनी प्रेमिका के पीछे मारा है, उसको भी सामने खड़ा करा जाए। जितना नहीं उतना मेरी बहन को तड़पाई है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके माँ बाप ने भी सपोर्ट किया है। तड़पी है ना, वैसे उसको तड़पा तड़पा के मौत देना बिल्कुल नहीं बाहर निकलना चाहिए। चारों को सजा देना, उनकी पूरी फैमिली वालों को भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आए दिन उसके साथ हमेशा टॉर्चर होता था। ना उसके घर वाले उसका सपोर्ट किया, ना उसका आदमी सपोर्ट किया, और सबसे पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड को ही पकड़ के उसको ही मारो, क्योंकि दोनों का मिली भगत है, दोनों ने मिलकर ही प्लानिंग किया था उसको मारने के लिए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।